लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, आजकल राजनीति में पैसों के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुख्य बात है जीतना। मैं जरूर जीतूंगा सर, लेकिन पैसों से नहीं, जनता के सपोर्ट से। मैंने जनता का विश्वास जीता है, दौलत नहीं कमाई है सर। लेकिन हर कैंडिडेट को इलेक्शन में खर्चा के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे ये तो बताइए। सभी बड़े महानुभावों को मेरा प्रणाम। देखिए, मुझे पता चल चुका है कि इस वक्त पार्टी की क्या हालत है, इसलिए पार्टी फंड के लिए 10 करोड़ रुपए मैं साइड में निकाल रहा हूं। लेकिन एक कंडीशन है, इस बार के इलेक्शन में अगर विश्वनाथ जी को सीट मिलती है तो हम जितना भी खर्चा होगा उठाने को तैयार हैं। नागा, ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक सदाशिव जैसी महान हस्ती मौजूद है तो हमें भला सीट कौन देगा? फिर भी पार्टी के लिए हम अपनी तरफ से सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप चुप रहिए विश्वनाथ जी, आप क्या चीज है इन सबको पता चलना चाहिए। आपको राजनीति में आना है और जनता की सेवा करनी है। देखिए, इस वक्त हमने ये फैसला लिया है कि आज की परिस्थिति में हम ये सीट विश्वनाथ जी को दे रहे हैं। ये अन्याय है, कई सालों से पार्टी की सेवा ये करते आए हैं, सीट तो इन्हें ही मिलनी चाहिए। पार्टी की सेवा से बढ़कर है पार्टी और उससे बढ़कर है जीत। सदाशिव जी, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और जीतने में साथ दीजिए, जो पैसा खर्च होगा वो करेंगे। अगली बार आपको पक्का सीट मिले ऐसा इंतजाम हम करेंगे। ठीक है। विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की, विश्वनाथ जी की। इस बार ही नहीं, अगली बार भी इस इलाके का एमएलए मैं ही बनूंगा। चाहो तो लिख लो। शांत हो जाओ। बहुत बड़े खिलाड़ी निकले यार, आखिरकार सीट ले ही लिया। जीत कर आने के बाद वो करूंगा ये करूंगा कहकर लोगों से 10 करोड़ लेकर उसे पार्टी फंड में देकर तुमने अपना काम आराम से निकाल लिया। सच में तुम राजनीति के महारथी हो। तुम भी किसी से कम नहीं हो, इसलिए तो तुम मेरा दाहिना हाथ बने हो। पार्टी हॉल में सदाशिव का चेहरा देखने लायक था, चोट खाए नाक की तरह फुफकार रहा था, ये समझो कि उसका राजनीतिक जीवन खत्म। सुनो, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, मुझे हर हाल में पहले इलेक्शन जीतने दो, पावर आ गई तो सबको दिखा दूंगा। अरे चुटकी बजाकर जीतोगे यार, फिक्र क्यों कर रहे हो? कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, तुम्हारे इतना पावरफुल नहीं है। इस वक्त तुम्हारे पास पैसा भी है और जीतने की ताकत भी।
ए, गाड़ी रोको। ये चल ए, चलो चल कहा था ना आवाज मत करना, कहा था ना। ए, गाड़ी रोक, इसे क्या हुआ देख। भाई सांस चल रही है, लगता है बेहोश हो गई है। पहले पहाड़ी की ऊंची जगह पर चलते हैं, फिर इसे वहीं से फेंक देंगे। ए, ऊपर ले गाड़ी। ठीक है। ए, गाड़ी यहीं रोक। इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी हमें, उसे उठा कर ले आओ। किधर गई भाई? लड़की गाड़ी में नहीं है। क्या हुआ रे, कहाँ भाग गई वो? पता नहीं सब लोग यहाँ क्या कर रहे थे, यही कहीं आसपास में होगी। ढूंढो, जाओ ढूंढो सब लोग। यकीन नहीं होता। चारों तरफ, चारों तरफ ढूंढो उसे। सब लोग हथियार ले लो, चलो सब लोग। चलो चलो। भाई वो जा रही है। अरे जाओ पकड़ो उसे, यही खत्म करना है। चलो चलो। देखो देखो कहां गई। देखो भाई इधर नहीं है भाई, वो इसी तरफ आई थी, ढूंढो उसे। हां मैंने भी देखा था। जाएगी कहां भाई? भाई यहां कहीं नहीं दिख रही। चलो आगे चलकर देखते हैं। हां भाई अरे वाह, क्या कमाल की महक है। और ये खुशबू भी कमाल की खुशबू है। जब भी मैं तुझे देखता हूँ पूरी बोतल का नशा चढ़ जाता है। जाओ यहाँ से, बदबू आ रही है। क्या करूँ जाने मन, रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। बस तुझसे शादी हो जाए, उसके बाद तू ही मेरी फुल बॉटल। सच में पीना छोड़ दूंगा। नागा, माँ क्या है ये, सुबह सुबह शराब पीकर यहाँ आके अनाप शनाप बक रहा है। ओ माँ जी, जल्दी से जल्दी हमारी शादी की तारीख फिक्स कर दो, इलेक्शन आया तो मैं फुल बिजी हो जाऊंगा। देख तू बार बार यहाँ इस तरह आकर हमें परेशान मत कर। प्रिया तुझसे शादी नहीं करना चाहती, तू समझता क्यों नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है, इसके साथ मेरी शादी बचपन में फिक्स हो गई थी। मुझ में कमी क्या है, अच्छा खासा पैसा है, हट्टा कट्टा मर्द हूँ, और क्या चाहिए इसे। इंसानियत का तो नाम है। नागा बस बहुत हो गया। माँ जी मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे अलावा अगर तुम दोनों ने किसी के भी बारे में सोचा
तो मैं इसे उठा कर ले जाऊंगा। मेरे बारे में इस इलाके में बच्चा बच्चा जानता है, मेरे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। हाय, क्या बात है, आज सब लोग एक ही जगह पर? लास्ट मीटिंग है ना इसलिए। ओह ये बात है। ए बीजी, आज शाम को स्टैंड अप पार्टी में तुम्हें भी आना होगा। नहीं यार, सोच रहा हूँ दोपहर में घर चला जाऊँ। देख यार, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद हम सबके लिए लास्ट पार्टी है यार, तुम्हें आना ही पड़ेगा। गाँव कल चले जाना यार, क्या इरादा है? सच में बीजी, प्लीज। यहाँ मेस का खाना खा खा के बोर हो गया हूँ यार, दिल करता है घर जाकर माँ के हाथ का खाना खाऊं। रिजल्ट आने के बाद तो पार्टी करेंगे ही ना? हमें घर जाने का मन नहीं करता है क्या? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाऊंगा। सुन विजय, तुझसे मिलने कैंटीन में कोई चीफ गेस्ट तेरा इंतजार कर रहा है, जा जाकर मिल ले। चीफ गेस्ट कौन है वो? अच्छा ये छुपकली है चीफ गेस्ट, अभी बताता हूँ। शाम को मिलने तो अच्छे से मजा चला। ए, ए विजय, रुक जाओ। ये क्या है विजय? मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझसे मिले बिना जा रहे हो? प्रतिमा मुझे जरा काम है इसलिए मैं। विजय प्लीज, तुम्हें जो भी काम है वो बाद में कर लेना, समझे? प्लीज बैठ के अभी मेरे साथ बात करो। बैठो बैठो। बताओ तुमने क्या सोचा है? क्या? हमारे लव के बारे में। लव? हाँ बाबा। अरे मैंने ऐसा कब कहा? क्यों तुम भूल गए? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तुमने कहा कि मैं एग्जाम के बाद बताऊंगा। मैंने ऐसा कहा था? तुमने। इस छिपकली से अब कैसे पीछा छुड़ाऊं? क्या कहा? कुछ नहीं। हमारा एग्जाम कब खत्म हुआ? कल ही तो हुआ। तो फिर अब मेरे सवाल का जवाब दो। वो आज मैं गाँव जा रहा हूँ, वहाँ मैं पहले अपने घर वालों से बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ जवाब दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ और टाइम चाहिए। ओह नो विजय, तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने के लिए। तुम मेरे साथ गांव आओगी? क्यों नहीं आ सकती? क्या मुसीबत है ये? ए विकी, बीजे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरा कैंपस ढूंढ कर थक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मेरी माँ? लगेज कब ले आऊँ और कहाँ लाऊँ ये पूछना था। लगेज किस लिए? तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव जाने के लिए। ये भी मेरे गांव आ रही है? क्या काम है मेरी माँ, तुम मेरे गांव क्यों आ रही हो? ये क्या, तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो? मुझे राधिका कहकर बुलाओ, वैसे प्यार से राधी भी बोल सकते हो। राधी, ओके। पूरा गांव साथ में घूमेंगे, चुप चुप के प्यार करेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को मनाकर हमारी शादी का डेट फिक्स करेंगे, तो कब गाँव चले हम? ए बहुत हो गया, चुप रहे, बीजी से मैं प्यार करती हूँ, बीच में तू कहाँ से आ गई मुबारने? तू चुप रहे, बीजी को पहले मैंने प्रपोज किया था। नहीं नहीं मैंने किया था। नहीं नहीं मैंने किया था, क्यों है ना बीजी? स्टॉप इट, शांति शांति बनाए रखोगे? बीजू प्लीज यार इसे बता, मैंने ही तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था ना। बीजी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यस कहो ना, तुम अगर सच में अक्लमंद होगे तो मुझसे प्यार करोगे। देखो मैं इसका कहा कभी नहीं मानता, बल्कि इसका कहा मानता हूँ। वो कब कहेगा? पता नहीं, बोल भी सकता है नहीं भी बोल सकता। चोट लगाई, देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कृष्णा, मेरा चश्मा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मेरा चश्मा गल गया, मैं देख नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? रो मत, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तुम्हारा चश्मा यहीं पर है, रुको मैं भी देती हूँ, तुम रो मत। अरे ये तो टूट गया है।
मैंने कहा ना तुम रोना बंद करो, मैं ठीक करती हूँ, ठीक है? पहले तुम रोना बंद करो बेटा, मैं ठीक कर रही हूँ ना। अरे ये तो बहुत बुरी तरह टूट गया है, मैं कैसे बना पाऊंगी इसे। अच्छा तुम यही रुको, मैं कहीं जाकर इसे ठीक करके लाती हूँ। तुम यही रुको, मैं भी आती हूँ, ठीक है? खड़े हो जाओ, इसे संभालो। हाँ मैं भी आ रही हूँ, बैग पकड़ो। सुनिए उस बच्चे का चश्मा टूट गया है, उस बेचारे को स्कूल जाना है, प्लीज जरा मुझे ले चलो, इसे बनवा कर लाना है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? नहीं कुछ नहीं। जल्दी चलो ना, हेलमेट बाद में पहन लेना, तुम्हारे सिर से ज्यादा उस बच्चे का चश्मा बनाना है। चलो तुम लोग जरा यहीं रुको, चलो जल्दी सीधा चलो और सीधा जाकर लेफ्ट लेना। ठीक है सर, जल्दी चलो ना। हाँ जा तो रहा हूँ ना, जॉब गियर में डालकर फास्ट पकाओ ना। जा रहा हूँ, ये एरोप्लेन नहीं है। प्लीज सर जल्दी चलो, आगे थोड़ा और आगे। इस तरफ लेना, राइट तरफ चलो और फास्ट चलो, बस आगे चलकर रोक देना। हाँ ठीक है। हाँ बस इधर, बस 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 बस। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको मैं आ रही हूँ। सुनिए जल्दी से ये चश्मा रिपेयर करके दे दीजिए। सुनिए इसे रिपेयर करके दीजिए, ये लीजिए। सुनिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, ग्राहक यहाँ दुकान पर खड़ा है और आप पूजा करने में लगे हुए। अभी अभी दुकान खोला है मैडम, पूजा कर रहा हूँ, जरा रुकिए ना मैडम। क्या रुकूं, ग्राहक से बढ़कर आपकी पूजा है क्या? करके देते हो या नहीं? करके देता हूँ, लाइए मैडम। बेचारे उस बच्चे को स्कूल जाना है, टाइम भी हो गया, चश्मे के बिना वो कुछ देख भी नहीं सकता। अरे बच्चे का चश्मा ही टूटा है ना, आँख नहीं फूटा ना, रुकिए मैडम। आपका मतलब उसकी आँख फूटनी चाहिए थी, हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया, ये लीजिए। पहले दुकान में आए हुए ग्राहक पर ध्यान दीजिए, फिर पूजा पाठ कीजिए। हे भगवान, सुबह सुबह कैसा कस्टमर भेज दिया आपने। कितना हो गया? अरे कितना क्या, जो देना हो दे दीजिए, 50 रुपए का छुट्टा नहीं है मैडम। छुट्टा नहीं है, आप रख लीजिए। हाँ सुनो, अरे मैं तो आपके साथ आई थी ना। जल्दी चलो, थोड़ा और तेज चलाओ ना। अरे और कितना तेज चलूं? लो आ गए। थैंक यू, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। अब दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। थैंक्स दीदी। वेरी गुड, स्कूल जा रहे हो ना? गुड बॉय, सब संभल के जाना। हाँ मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे सुनो, हेलो। अजीब लड़की है। पेड़ से नारियल गिरा तो सारे मुझे ही चुनने पड़ते हैं। अरे बाप रे, नारियल के पेड़ पर अगर बोरी बांध देते तो सारा नारियल बोरी में ही गिरता ना, सारा नारियल एक साथ ही उतार देते। विजय, विजय तुम ठीक तो हो ना? कैसा है तू? गाड़ी के सामने कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं आया? यहाँ तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ तू आया। ये ले, कोई दिख नहीं रहा। अरे माँ कैसी हो? माँ बीजी तू कैसा है बेटा? मुझे क्या हुआ है माँ, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। नहीं बेटा तू बहुत दुबला हो गया है। माँ मेरी प्यारी माँ, तुम वो पुराने डायलॉग फिर से स्टार्ट मत करो। हाँ मैं लास्ट मंथ आया था, उससे तो इस बार अच्छा ही होकर आया हूँ ना। हाँ माजी, विजय भैया सही कह रहे हैं। देखा दूधी की गवाही खीरा ही देता है, सही जोड़ी है, राम के लायक का हनुमान। माजी मैं भी बैंगलोर जाऊँ क्या? किस लिए? किस लिए क्यों? मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बैंगलोर जाऊंगा ना तो विजय भैया की तरह हट्टा कट्टा हो जाऊंगा। क्या रे, कितने दिन मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके खाता रहा और अब जम नहीं रहा। छोड़ो ना माँ बेचारे को, जाने दो। माँ पापा कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, तू जाकर हाथ पैर धोकर आ, मैं खाना तैयार करती हूँ, तू पापा के साथ बैठकर खाना खा। माँ जी मैं भी हाथ मुँह धोकर आ जाऊँ क्या? वो क्यों? खाना खाने के लिए, खाने की खुशबू से भूख लग गई है। नवाब की औलाद को मेरे हाथ का खाना कहाँ जमेगा, इसलिए बेंगलुरु जाकर वही खाना खा। भुगत भुगत। मैं अपनी बात में फंस गया। पापा खुश हाँ
ये ले बेटा। माँ जी पापड़ दीजिए ना। रिजल्ट कब आ रहा है? अगले महीने में है पापा। विजय, तुझे पढ़ाई में और भी आगे बढ़ना है, कितनी भी तकलीफ आए लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा। जहां भी जाना है जा, जो पढ़ना है पढ़। वो क्या है, पढ़ाई करने के लिए ही हमारा बेटा इतने साल हमसे दूर शहर में रहा, लेकिन अब तो यहाँ। ठीक है, आप ही फैसला करो। बीजी, जैसा मैं कहता हूँ प्लान कर, पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने की सोच। नहीं पापा, मैं गांव में ही रहकर एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। गांव के लिए कुछ अच्छा करने का मैंने फैसला पहले से ही कर लिया है। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने जितना किया है वही काफी है। इस दौर में पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। बिना पैसे की राजनीति में भी इज्जत नहीं मिलती, याद रखना मेरी इतनी इज्जत है, उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला। सबको पावर चाहिए। बिल्कुल सही, बड़े मालिक सही बोल रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए पावर का होना कोई जरूरी बात नहीं है पापा। पावर हासिल करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पावर में आने के बाद खर्च किया हुआ पैसा जुटाने में लग जाते हैं लोग। आजकल तो सारे लोग यही कर रहे हैं ना, ऐसे में कोई अच्छा काम कैसे कर सकता है पापा। एग्रीकल्चरल साइंस मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि चार लोगों का भला कर सकूं। बस यही मेरा मकसद है पापा। कल सब अपना होमवर्क करके आना और उसे पढ़कर आना। ठीक है दीदी। देखो कल तुम सब टाइम पर आ जाना। ठीक है। हाय। ठीक है, अब तुम सब जाओ। अच्छा दीदी। इधर उधर भटकना नहीं, सीधे घर पर जाना। बाय बच्चों। बाय बाय दीदी। बाय दीदी। हाय। ए मिस्टर, कौन है आप? कौन है आप? अरे आप मुझे भूल गई। अरे परसों ही तो मैंने आपकी हेल्प की थी बाइक पे बिठा के। वाह, क्या आर्गुमेंट कर रही हो आप। आई लाइक योर स्पिरिट, सुपर्ब। ओह, तुम हो? हाँ, मैं हूँ, याद आया ना। अब क्या है? अब क्या है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये बताओ, एटलीस्ट मुझे थैंक्स तो कह देती ना। देखो अगर मैं तुम्हें थैंक्स बोलूंगी तो तुम उसे याद रखकर कल फिर मुझसे कहीं टकराओगे, फिर मेरे आगे पीछे घूमोगे, नजदीक आकर हेलो कैसी हो पूछोगे, उसके बाद इधर आओ उधर आओ कहकर बुलाओगे, उसके बाद मेरा नाम पूछोगे। हा? ये मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल सही, आपका नाम क्या है? उस दिन पूछना भूल गया था। नहीं बताना, ठीक है रहने दो। ओ, ये घर आप ही का है क्या? अब आंटी, आंटी मैं हूँ विजय। चुप हो जाओ, तुम ऐसे जाओगे या नहीं? ओके, क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों आ गई? चलो ये तो पता चल गया कि ये आपका ही घर है, अब मैं आता रहूंगा। जाओ। बाय। ओहो, जाओ यहां से। ओहो, हाय रे मेरी किस्मत। अब खेल कूद जरा कम करो। ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है? कल से मुझे कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दीदी। अब संभल कर घर जाओ, चलो। बाय बाय टाटा। ए बच्चा लोग जरा रुक जाओ। क्या है अंकल? तुम लोग जहाँ पर पढ़ने जाते हो उस टीचर का नाम क्या है? वो टीचर दीदी का? हाँ। बताऊंगी तो तुम क्या दोगे मुझे? चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट नहीं चाहिए यार, हमें 50 रुपए दोगे क्या? हाँ देता हूँ देता हूँ, ये लीजिए मैडम। ठीक है, अब तो बता दीजिए। दीदी का नाम ना? हाँ, दीदी का ना। नाम 50 रुपए और मिलेंगे तो ही बताऊंगी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आपको नाम जानना है ना? जानना है तो दो। देता हूँ, अब तो बता दो मैडम। वो दीदी का नाम, दीदी का नाम है प्रिया। प्रिया। अंकल, बच्चों को ज्यादा पैसा देना बुरी बात है। चलो यहाँ से चलते बनो, मुझे चरा रही है। अंकल, दीदी का नाम तो वो है ही नहीं। रुक जा। तुम बहुत क्यूट हो गुड़िया। प्लीज उसका नाम बता दो ना। प्लीज 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 प्लीज, ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके साथ जैसा किया वैसा करेंगे तो नहीं बताऊंगी। नहीं, तुम्हें पक्का मैं पैसे दे दूंगा। हा? ये लो। 50 रुपए नहीं, 100 रुपए चाहिए मुझे। अब तो बता दो। वो
दीदी का नाम उस लड़की ने जो बताया वही है। शैतान कहीं के। चलो नाम तो पता चल गया, प्रिया, प्रिया विजय। अरे बस करो, क्या है ये सब, कहाँ से लाए हो ये? दीदी आपका नाम बताकर हमें ये सब मिला है। मतलब मेरा नाम लेकर तुम ये सब उधार लेकर आए हो? नहीं दीदी, आपका नाम बताया इसलिए उस अंकल ने हमें ये सब दिलाया है ना? हाँ। कौन है वो? वो देखिए वो अंकल वहाँ खड़े हैं। हाय। दीदी वो अंकल ने आपको ना असली मक्खन कहा, बहुत अच्छा कहा ना दीदी। तुम सब बहुत बदमाश हो गए हो, तुम्हें तो तीखी मिर्ची लगता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। प्रिया, प्रिया। बाय, मैं बाद में आता हूँ। गड्ढा है, गिर जाओगे। अच्छा बहन, मैं देख नहीं सकता, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आपको कहाँ जाना है? मैं इस गांव में नया हूँ बहन, यहाँ आसपास कोई कुआं या कोई बड़ा घर है क्या? ओ, वो इस तरफ है। जरा मुझे वहाँ तक छोड़ देंगी, बाद में मेरे आदमी आकर ले जाएंगे। आओ। देखिए यही पास में वो कुआं है, 10 कदम की दूरी पर, आप जा सकते हैं। मुझे वहाँ तक छोड़ दो ना बहन, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है। बहुत हो गया बे, रुक जा, एक्टिंग बहुत हो गई, अब ओवर मत कर। कौन हो तुम लोग? ए चिकनी, चल सारे गहने निकाल कर दे दे, चल चल चल, निकाल निकाल, जल्दी कर, निकाल निकाल निकाल, ला जल्दी दे, निकाल निकाल। ये क्या, तो एक टोला भी नहीं है? अरे बेवकूफ, मैंने अच्छी लड़की फंसाने के लिए कहा था, तूने तो भिखारन को फंसा लिया। अरे खरा सोना तो आपके सामने खड़ा है भाई। सही बोल रहा है यार। चल उठा ले इसे। सारे गहने निकाल, निकाल, निकाल जेब से। ये लो भाई। सारे गहने निकाल। निकालता भाई। लोगों को अंधों पर एक हमदर्दी होती है, और तू है कि अंधा बनकर लड़की का फायदा उठा रहा है। दोबारा इस तरह नौटंकी करते हुए तुम लोगों को देखा ना, तो पैर काट के सीधे हाथ में दे दूंगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। भाग। जाता भाई। तो। Thank you. सुनो, मुझे जरा रास्ता दिखा दोगी? मजाक मत करो। प्लीज। दीदी हो गया।
क्या है ये, सब गलत लिखा है। लो फिर से ठीक से लिखो। पढ़ने में तकलीफ होती है पर मौज मस्ती में उस्ताद हो। ठीक से पढ़ाई नहीं की तो बहुत मार पड़ेगी। दीदी इतनी लेट क्यों आई हो? दीदी वो अंकल बाहर आए हैं। कौन? वही उस दिन आपका नाम पूछा था ना, वो अंकल बाहर खेत में इंतजार कर रहे हैं। फिर उनके पास जाकर कोई पैसे वैसे तो नहीं लेकर आई हो तुम? नहीं दीदी आपकी कसम मैंने कोई पैसे नहीं लिए। कसम क्यों खा रही हो? चलो बैठो किताब निकालो। भैया इस थैली में मिट्टी क्यों भर रहे हो? खाने के लिए। अब एक गधे, इस मिट्टी को लैब में भेजना है सॉइल टेस्ट करने के लिए। क्या मतलब? इस मिट्टी में क्या फसल हो सकती है ये जानने के बाद उसकी खेती यहाँ पर अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसे वहाँ टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ ना। तू जानता तो है लेकिन साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करवाने से उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बहते पानी को बांध का सहारा होता है। ये सब तू नहीं समझेगा, चुप बैठ। ये ले पकड़। यहाँ और कुछ काम है क्या? चुपचाप चल। ला एक थैली दे। घर चलो ना भैया, मुझे भूख लगी है। ये ले पकड़। हाँ। चल अब चलते हैं। मंदिर है तो उसमें क्या हुआ? भगवान भी तो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। पत्नी है ना, लवर तो नहीं है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बस चार कदम तुम्हारे साथ आगे निकल पड़ा। पर मंदिर में ऐसे नहीं चलते हैं। सही कहा, चलो वहीं चलते हैं। विजय, मंदिर में ऐसे सब नहीं करते, भगवान श्राप देंगे। ठीक है ठीक है। अरे तुम्हारे साथ बात करते करते मैं प्रसाद की थाली लाना ही भूल गई। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? आप ठीक तो हैं? दादी माँ, चक्कर आ गया बेटा। अरे एक मिनट दादी माँ, ये पी लीजिए, अब ठीक है। थोड़ा आराम मिला बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? नहीं आया बेटा, संभल कर आराम से खुश रहो बेटा।
भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? प्रिया है। किस गांव की हो? इसी गांव की हूँ, मेरी माँ का नाम सुमित्रा है। ओ अच्छा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। एक बुजुर्ग औरत की तुमने सेवा की, लेकिन बेटी कुछ भी सोचे बिना तुमने भगवान के लिए लाया हुआ नारियल फोड़ दिया। ये लो इसे चढ़ा दो। रहने दीजिए आंटी, ये नारियल भगवान को चढ़ चुका है। शुक्रिया आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है। ऐसे क्यों खींचा मुझे? प्रिया पहले यहाँ से चलो, चलते हैं। भगवान के दर्शन किए बिना ऐसे कैसे जाएंगे? अरे भगवान तो यहीं रहेंगे मेरी माँ, पहले यहाँ से चलते हैं, चलो। पहले बताओ बेटी। कुछ नहीं आंटी। वो डरो मत बेटी, ऐसे लोगों को सही सबक तो सिखाना ही पड़ता है। मैंने देखा ना ये तुझे हाथ पकड़ कर खींच रहा था। कुछ नहीं है आंटी, आओ बेटे चलते हैं। अरे अरे अरे, तुम कैसे लड़की हो बेटी, अब तुम इसका हाथ क्यों पकड़ कर खींच रही हो? माँ तुम अपना नाटक बंद करोगी? इसे पकड़ो। माँ जी ठीक है ठीक है, तुम दिखने में जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा तुम्हारा दिल भी है। माँ जल्दी आओ ना। आ रही हूँ बेटी। कौन है? मेरी माँ है। तुम हो? हाँ, तुम इन्हें जानती हो क्या माँ? क्यों नहीं जानती बेटा, तुम सदाशिव जी के बेटे हो ना? हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों ये मुझे सही नहीं लग रहा, तुमने गलती की है बेटी। माँ जी। क्यों माँ? सच में प्रिया, इनमें और हम में बहुत अंतर है बेटी। तुम दोनों की शादी कैसे होगी यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। वो बात नहीं है बेटा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती इसके साथ भी वही हो। मैंने एक बड़े घर के आदमी के साथ प्यार करके शादी की थी और धोखा खाया, आज अकेली एक बदनाम जिंदगी जी रही हूँ मैं। प्रिया की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं मम्मी पापा को मना कर प्रिया से ही शादी करूंगा। अगर इसके घर वाले नहीं माने तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। प्रिया। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। माँ जी ये लड़का कौन है? नागा, मैं झगड़ा नहीं चाहती, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले जरा इसे दो बात तो कर लूं। मेरी और इसकी शादी बचपन में तय हो चुकी है और तू इससे प्यार करता है कोई बात नहीं है, लेकिन इसके गले में मंगलसूत्र मैं बांधूंगा। आई बात समझ में? देखो नागा, मैं और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से समझने से पहले ही इमोशनल होकर यह फैसला किया होगा, लेकिन आज के दौर में यह सब नहीं चलता। hey! आज प्रिया के दिल में कौन है यह तुम खुद ही पूछकर पता लगा लो। अच्छा यही होगा कि तुम हमारी शादी में आकर अक्षत डालकर प्यार से आशीर्वाद दे देना, लेकिन जब तक इनविटेशन कार्ड तुम तक नहीं पहुंचता तब तक तुम यहाँ पे आना भी मत। ए, अपना ढक्कन बंद कर ले। उस दिन तेरे बाप ने बहुत हांका था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, तू तो उसका बच्चा है। ए, मेरे बाप तक मत पहुंचना, अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ कहा तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे पापा क्या है यह मैं जानता हूँ, पूरा गाँव जानता है, लेकिन तेरे जैसे लीचड़ लोग क्या जानेंगे। एक ना एक दिन तुझ जैसे खुदगर्ज को जड़ से उखाड़ कर मेरे पापा पॉलिटिक्स में अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे, देख लेना। चल निकल। ये क्या कर रहा है? छोड़ कर, तू इसके साथ मजे उड़ा रही है? नागा छोड़, क्या कर रहा है? नागा छोड़ दे प्रिया को, मैंने कहा छोड़ दे। ये तो देख रहा है। Oh!
अगर दोबारा तू इस तरफ आया तो तेरी और तेरे चेलों की बॉडी बैलगाड़ी में पार्सल कर दूंगा। ये मैं दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ। सदाशिव, सदाशिव, रुकिए रुकिए रुकिए, आप कौन हैं? मेरे मालिक को ऐसे क्यों बुला रहे हैं? घर में सदाशिव है क्या? घर पर ही हैं, थोड़े बिजी हैं। आप कौन हैं बताइए? मैं राजशेखर हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ। अपॉइंटमेंट लिया है क्या? अपॉइंटमेंट? हाँ। राजा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम, कैसा है तू? फर्स्ट क्लास हूँ यार। सुना है तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारा चेला कह रहा था कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हनुमंत, जानता है कौन है ये? मेरे बचपन का दोस्त राजशेखर, इससे तू अपॉइंटमेंट मांग रहा था अकल के अंधे। क्षमा कीजिएगा सर, आप कौन है मुझे पता नहीं था, गलती होगी, माफ कीजिए। सदा, तुमने तो बड़ा अच्छा चेला रख रखा है। ऐसा ही है ये, भले ही गांव में एमएलए दूसरा है लेकिन ये मुझे ही मानता है एमएलए, इसीलिए मैं बहुत बिजी हूँ, अपॉइंटमेंट है क्या नहीं ये सब पूछता रहता है। ओ, ऐसी बात है। अच्छा सामान लेके अंदर जाता हूँ। जाकर लगेज ले गया जा। घर के अंदर घुसा नहीं, अभी से मुझ पर हुकुम चलाने लगा, पूरे गांव पर मैं हुकुम चलाता हूँ। पार्वती जी आई। देखो राजशेखर आया है, पहचानी? हाँ पहचाना। नमस्ते, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। पहले कुछ पीने के लिए लाओ, बाद में हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है जा। हनुमान जी मालिक, ये लगेज ले जाकर ऊपर के रूम में रख दो। हाँ ठीक है मालिक। और हाँ जरा बीजी को भेजना। ठीक है मालिक। अरे बाप रे, लगता है साल भर रुकने के लिए आया है। आ जा भाई। राजशेखर, कितने सालों बाद हमारे घर आए हो ना? 10-15 साल तो हो ही गए होंगे यार, वक्त नहीं मिला इसलिए आ नहीं पाया। कोई बात नहीं। अरे विजय आ जा, ये राजशेखर है मेरे बचपन का दोस्त, हमारे ही गांव का है, याद आया क्या? नमस्ते अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, बचपन में देखा था तुम्हें, आजकल क्या कर रहे हो? एग्रीकल्चर साइंस में एमएससी की है अंकल, तो बस उसी में आगे कुछ करना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, इतने सालों बाद तुम्हें गांव की याद कैसे आ गई? मैं अपनी बेटी के लिए एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ यार, इसलिए यहीं आसपास को जमीन खरीदने के विचार से आया हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गांव से शहर जाकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह उस दिन का तुम्हारा किया हुआ एहसान ही तो है यार, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सब छोड़ यार, तेरी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। मुझे भी बहुत उम्मीद थी एमएलए बनकर गांव वालों की सेवा करूंगा। तो उसके बारे में क्यों सोच रहा है, वैसे भी इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं, एमएलए को छोड़ एमपी बनने की तैयारी कर। जिस पार्टी ने तेरा साथ नहीं दिया उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जा तू। मजाक क्यों कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुझे जितना चाहिए वो मैं दूंगा, किसी भी सूरत में तुझे जीतना ही होगा। या नहीं दिल्ली में, दिल्ली जाकर राज कर, 5-10-50 करोड़ जितने चाहिए तू बोल दे, मैं देता हूं ना। इतना बड़ा कर्जा लेकर उसे उतार नहीं पाऊंगा मैं राजशेखर। कर्जा नहीं यार, फ्रेंडली दे रहा हूँ। राजा? हाँ दोस्त, तुझे पैसा देने के पीछे मेरा भी स्वार्थ है। देख अगर तू जीत कर आया तो मुझे ये तसल्ली मिलेगी कि मेरा एक दोस्त राजनीति में है, साथ में मेरे बिजनेस में हेल्प भी हो जाएगी, और तेरे बेटे को देखते ही मेरे दिल ने ये कहा कि मेरी बेटी के लिए ये सही लड़का है, मेरी इकलौती बेटी को अपने घर की बहू बना ले। तेरे एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता यार। राजशेखर कैसी बात कर रहा है तू, मुझे मंजूर है। फिर भी तू एक बार अपने बेटे से तो बात कर। मेरा बेटा मेरी बात मानेगा, तू उसकी फिक्र छोड़ दे, मैं बात कर लूंगा। बिन माँ की बच्ची है मेरी, तेरे घर आएगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तेरे बेटे और मेरी बेटी ने एक ही पढ़ाई की है, तेरी जमीन में फैक्ट्री बनाते हैं ना, उनकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। आखिर दिन रात एक करके कमाया किस लिए है यार, हमारी बच्ची के लिए ही तो। जमीन के लिए लाया हुआ पैसा मैं तुझे दे देता हूँ, बस तू इलेक्शन की तैयारी कर। राजशेखर तू सिर्फ मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वाला फरिश्ता भी है। ये तू क्या कह रहा है, इतना इमोशनल क्यों हो रहा है यार? देख हम दोनों फ्रेंड्स हैं और अब आगे समधी बन जाएंगे, है कि नहीं? हाय।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब आए आप? बस अभी अभी आए बेटा। गए हुए काम का क्या हुआ? सारा काम हो गया, साथ में तेरा इम्पोर्टेंट काम भी हो गया है। मेरा काम? हाँ। वो क्या है? मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का देख के आया हूँ। अरे छोड़ो ना डैडी, शादी कितनी जल्दी भी क्या है। वहाँ फैक्ट्री बनाने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहता हूँ बेटा। देख ये विजय मेरे फ्रेंड सदाशिव का बेटा, तेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। बहुत ही हैंडसम लड़का है। इस फाइल में उसकी फोटो और सारी डिटेल्स है, तू देख ले, मैं बस अभी आता हूँ। ओके। डैडी, लड़का कैसा लगा? मतलब आपने शादी फिक्स कर दी है? अब तक तो नहीं की है, सोचता हूँ कि कब की तारीख रखूँ। पहले तुझसे डिस्कस करना जरूरी है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तू अपना ओपिनियन बता दे। जाओ ना डैडी। क्या बात है, इस फिक्र से अब मैं भी फ्री हो गया कि कैसा लड़का पसंद करोगी, उसके घर वाले कैसे होंगे, तेरा भविष्य कैसा होगा। उसका भविष्य कैसा होगा यह फैसला मैं कर चुका हूँ, साथ में उसकी शादी किससे होगी ये भी सोच चुका हूँ। इसलिए उसे बोल दो कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ, वो बहुत ही अच्छी। पार्वती, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं ये सब नहीं मानूंगा। वो नहीं मानेंगे तो फिर अब क्या करें? तुम फिक्र मत करो प्रिया, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुमने कहा कि तुम कभी अपने पापा के सामने खड़े होकर बात तक नहीं करते, तो अब कैसे करोगे? अब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ ना, इसलिए हिम्मत आ गई, वो भी तुमसे। मजाक मत करो विजय, मेरा दिल सच में बहुत घबरा रहा है। डरो मत प्रिया, हम दोनों को अलग करने की हिम्मत अब किसी में भी नहीं है। लहरों को सागर से कोई कैसे अलग कर सकता है। विजय, सुना है तुम किसी गरीब परिवार की लड़की से प्यार के चक्कर में पड़ गए हो, क्या यह सच है? पापा, ये बात तो सच है कि वो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है विजय, आन बान का है। मैं तुम्हें ऊपर उठाने की सोच रहा हूँ और तुम लगातार खाई की तरफ बढ़ रहे हो। मैं ऑलरेडी एक फैसला कर चुका हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे एक फैक्ट्री बना रहा है, उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी, ऐसा मैं उसे वादा कर चुका हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, संस्कारी भी है। आज के दौर में लोग सिर्फ कामयाब लोगों को पूछते हैं। पापा, शादी को आप बिजनेस बनाकर अपनी आन बान शान के लिए मुझे बेचना चाह रहे हैं। विजय। पापा, मेरी शादी के बारे में मैं खुद ही फैसला कर चुका हूँ। अगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा तो लाइफ में किसी भी लड़की से नहीं करूंगा, ऐसा ही रहूंगा। विजय, क्या सोच रहे हैं हमारे विजय के बारे में? आपने क्या फैसला किया है? क्या कह रहा है वो? उसने दो दिनों से ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया है। बुलाओ उसे। पार्वती, पहले इसे कुछ खाने के लिए दो। बड़े मालिक, आइए।
हमसे अनजाने में कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। यह भी ना समझ है मालिक, मैं इसे समझा दूंगी। नहीं नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इस उम्र में यह सब होता है। सोचा था मेरा फैसला ही फाइनल है, मेरी खींची लकीर को मेरा बेटा कभी पार नहीं करेगा, लेकिन प्यार के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता, ये बात मुझे अब समझ में आई। मेरे बेटे ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों की खुशी में ही मेरी भी खुशी होगी। इन दोनों का रिश्ता मुझे मंजूर है। लेकिन एक शर्त है, यह शादी गुप्त तरीके से होगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पापा। हाँ विजय, तुम अपने प्यार को नहीं छोड़ोगे और मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूं, किसी तरह यह शादी निपटा लो, उसके बाद मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। कल तुम दोनों की शादी है, सब कुछ मेरे तरीके से ही होगा। ठीक है मालिक। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वा सांगतो विवाह। ये लो बेटी, गणपति का आवाहन करके पूजा शुरू करो बेटी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा। मेरे बेटे को किसी की नजर ना। मुहूर्त का समय बीत रहा है, जल्दी करो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां हाँ? ए, मैं मर गया था क्या जो इससे शादी करने चली है? नागा छोड़ इसे। एक शब्द मत बोलना नहीं तो जान ले लूंगा। चलो क्या कर, नागा भगवान के छोड़ इसे। नागा मेरी बात सुन। चल मेरे साथ। नागा क्या कर रहा है? नागा छोड़ इसे। तुझे दिखाता हूँ अपनी ताकत। नागा छोड़ इसे। समझ में नहीं आता क्या? एक मैं बात नागा, ये बच्ची मेरे घर की होने वाली बहू है, इसलिए इज्जत से समझा रहा हूँ, इस बच्ची को छोड़ दो। पापा, उठिए पापा। विजय, शवा
स्वस्तिना पूखा विश्ववेदा स्वस्तिना स्ताक्षर्यो अरिष्टदेवी स्वस्तिनो बृहस्पतिर् दधातु ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं प्रदुष्ट मंगलं पुण्यदिकाक्ष मंगलाय तनो हरि ॐ आयुर्वेदे तेजो वृद्धि सुखं भवेत् ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। क्या बात हुई नागा, क्या हुआ ये? उस कमीनी ने मारा है मुझे, बहुत बेइज्जती की उसने। सदाशिव ने अपने बेटे से उसकी शादी करा दी, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तेरे डर की वजह से कि कहीं तू उसे उड़ा के ना ले जाए, लेकिन तू ऐसा कुछ नहीं कर पाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तू और तेरी गैंग एक लड़के से बुरी तरह मार खा के आ गए। विश्वा अब देखना, उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना भी मत राजा, आने वाला कल वो उसके बाप के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा और तब हमें धूल चाटनी पड़ेगी। उसकी शादी विजय के साथ हो गई है ना, कोई बात नहीं, तू उसकी इज्जत लूट ले, तेरे दिल की तमन्ना पूरी कर ले नागा। नहीं छोड़ूंगा उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसकी इज्जत से खेलूंगा। काव्या, शीश महल नहीं है लेकिन छप्पर का महल है, नॉट बैड, चल जाएगा। वाह वाह वाह। अंकल अंकल अंकल, तुम कौन हो बेटा? अंकल मैं काव्या, आपने पहचाना नहीं क्या? मैं राजशेखर जी की बेटी हूँ। अंकल, ओ तुम राजशेखर की बेटी? हाँ। हो पहचान नहीं पाया, ये कौन है? मैं शंकर हूँ, काव्या का कजिन। हाय, नमस्ते। नमस्ते काव्या। मैं जरा अपना लगेज लेकर आता हूँ। ओके जाओ। तुम्हारे डैडी कैसे हैं बेटा? डैडी बहुत अच्छे हैं अंकल, वो शहर में नहीं सिंगापुर गए हैं, उन्होंने कहा मुझे आने के लिए, मुझे ये घर और आप सबसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था इसलिए चली आई। पार्वती। हाँ। ये काव्या है, राजशेखर की बेटी। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह। हेलो आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हाय हैंसम, आई एम काव्या। हाय, आई एम विजय। हेलो। आँख नाक मूछ सब कुछ जैसे फोटो में है बिल्कुल वैसा ही है। काव्या, मैं लगे ले आया। विजय, ये शंकर है मेरा कजन। हाय। काव्या। हाँ अंकल। सफर में थक गई होगी, तुम्हारे लिए ऊपर इंतजाम कर दिया है, वहाँ आराम करो। थैंक यू। शंकर देख कर चलो। चल रहे, तुम्हें देख के चलना चाहिए। अरे बहुत भारी है, संभाल के। इन लोगों का लगेज देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जल्दी हिलने वाले नहीं है। देखो पार्वती, राजशेखर की बेटी बिना बताए चली आई है, उसके यहाँ से जाने तक विजय की शादी की बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों बेटी, समझ गई ना? हाँ समझ गई पापा। विजय। हाँ जी। एक और दूं? इस घर में सबसे जान पहचान हो गई, ये कौन है मैं अब तक जान नहीं पाई। ए विजय, ये लो पानी पियो। यू ओके? थैंक्स। ये प्रिया है, रिश्तेदार की बेटी, ये यही रहती है। ओ हाय। हेलो। इसका पति ठीक नहीं है, छोड़ दिया इसे, इसका भी कोई नहीं है। अरे बेचारी,
उसने ऐसा क्यों किया इसके साथ? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर चला गया, उसे तो उबालकर उसका सूप, उसका सूप सूप। आंटी मैं इडली ले आती हूँ। हेलो, उसे तुम्हें क्या करना है? उसका पर्सनल है, तुम चुपचाप इडली खाओ। मुझे भी दो इडली चाहिए। आगे इडली, मुझे इडली दो। कहाँ देख रहे हो? नीचे देखो प्लेट में। बस तुम्हारी पति मारी गई है। सॉरी 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 सॉरी। थू, कैसा मनहूस काम है, पूरी गाड़ी धूल से सन गई, हवा में धूल ही धूल है। क्या बड़बड़ा रहे हो भाई? मैं? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं यार, यहाँ बहुत धूल है। तुम हमारे गांव के बारे में अभी कुछ कह रहे थे। गांव के बारे में? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर मेरे गांव के बारे में कुछ कहा ना तो तुम दोबारा शहर नहीं जा पाओगे। क्या? मैं नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम लोग का ये सड़ा गांव, ये सिंगापुर है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये बताओ तुम यहाँ करते क्या हो? मैं मेरे मालिक का सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? मेरे मालिक का ड्राइवर, पीए, चेला, इत्यादि इत्यादि सब कुछ मैं ही हूँ। ओहो अच्छा। अच्छा ये बताओ तुम क्या चीज हो? मैं जो भी हूँ तुझे उससे क्या मतलब? बड़े बड़े घरों का राज ड्राइवर के पास ही रहता है। क्या कहा तूने? तुम ड्राइवर हो ये कहा? मैं ड्राइवर नहीं हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ, काव्या का कजन हूँ। कार कौन चलाता है? मैं। तो तुम ड्राइवर ही हुए ना? क्या इसमें आपकी क्या राय? वही मैं भी सोच रहा हूँ। अंकल आंटी। हाँ आ जाओ। अंकल मैं जरा बाहर गांव घूमना चाहती हूँ, इसलिए विजय को अपने साथ ले जाऊं? अंकल ले जाऊं क्या? हाँ ले जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। काव्या के साथ हनुमंत को भेज दीजिए। हनुमंत के साथ जाऊं? ना बाबा ना, तुम चलो ना। विजय एक जरूरी काम है। विजय अपना काम बाद में कर लेना, पहले इसके साथ जाओ। जाओ। ठीक है मैं एक। थैंक यू अंकल। शंकर गाड़ी निकालो, जरा बाहर घूम कर आते हैं। क्या कौन कौन जा रहे हैं? मैं, तुम और विजय। अरे तुम दोनों के बीच में मेरा क्या काम? ड्राइव करने के लिए यार। हे भगवान, तू समझ क्यों नहीं पा रही है काव्या? वो क्या है? ये बता, तू फर्स्ट टाइम अपने होने वाले पति के साथ बाहर घूमने जा रही है तो जरा सोच कर तो देख। आई मीन प्राइवेसी चाहिए कि नहीं? तुम गाड़ी चलाना, मैं और विजय पीछे बैठ के बात करेंगे। अरे तेरी अकल, मैं अगर आगे बैठा रहा तो तुम दोनों को प्राइवेसी कैसे मिलेगी? अभी नहीं समझी? बार बार मेरी नजर मिरर की तरफ नहीं जाएगी क्या? सुन ना, तुम और विजय दोनों बाइक पे जाओ। अरे हाँ सही कहा, करेक्ट है यार। विजय के साथ जब तुम बाइक पे जाओगी ना तो तुम और वो टचिंग टचिंग। हेलो हेलो, ख्याली खिचड़ी पका रही थी क्या? चलें क्या? हाँ ओके हैंडसम, बट कार से नहीं, बाइक से चलेंगे। बाइक से? हाँ हाँ, तुम दोनों बाइक से जाओ ना। नहीं हम कार से ही चलेंगे, ड्राइव मैं करता हूँ ना। कार में वो जरा लीकेज शुरू हो गई है, इसलिए आप काव्या को बाइक पर लेके जाओ ना प्लीज। ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज चलो। ओके बाय। चिपकी चिपकी हे उधर देखो, अच्छा नजारा है ना? वाह यहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा है ना? व्हाट अ प्लेस। आई एम रियली एंजॉयिंग द राइडिंग। काव्या
ये गांव है, ज्यादा चिपको मत, जरा डिस्टेंस रखो। बीजी, मैं तुम्हारे होने वाले बेबी हूँ। हाँ, लेकिन हो सकता है गांव वाले इस बात को गलत अंदाज से समझ लें। ओह, ओके, आई रेस्पेक्ट योर सेंटीमेंट। आप ठीक है ना? हेलो। मैं तुम्हारा हाथ बताऊं क्या? नहीं थैंक्स। नहीं नहीं, वो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना वहाँ उनका हाथ बटाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। काव्या के यहाँ भी किचन में ना मैं ही हेल्प करता हूँ। मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। चटनी बहुत तीखी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरे पेट में जलन होती है। क्या? वो कैसा बेवकूफ आदमी है जो तुम जैसी चांद को छोड़कर भाग गया। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा कलेजा चकनाचूर हो गया। तुम अगर हाँ कर दो तो मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूँ, ये फैसला मैं कर चुका हूँ। मतलब तुम अगर हाँ करो तो वरना सरकारी वही रख दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूं ही आ गया था मैं तो। कार ड्राइविंग के साथ साथ तुम चूल्हा चौका भी करते हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं कार ड्राइवर नहीं हूँ, मैं काव्या का कजिन हूँ, समझाओ ना इसे। उनकी कार कौन चलाता है? मैं। तो तुम ड्राइवर ही हुए ना? क्या? अच्छा सुनो, कार धोकर हो गया ना? हाँ? तो उसे निचोड़ कर सुखा दो। थू। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, ऊपर से ये झील का शहर, मजा आ रहा है मुझे। गांव में मिलने वाला ये खूबसूरत नजारा शहर में नहीं मिल सकता। सच में। कितना मजा आ रहा ना विजय। अरे काव्य संभल के। कुछ नहीं, मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ। प्लीज अरे संभल के। अरे थैंक्स। बहुत अलर्ट रहती हो, तभी पानी में गिर गई। शिट, सारे कपड़े भीग गए। विजय। हाँ? मेरे डैड ने जिस दिन तुम्हारा फोटो दिखाया था उसी दिन मैंने तुम्हें अपना मान लिया विजय। आई लव यू सो मच विजय। तुम भी यही फील कर रहे हो ना? मतलब मेरी फोटो डैड ने तुम्हें दिखाई थी ना? हाँ दिखाई थी। तब तुम्हें भी मेरे जैसा ही फील हो रहा है ना विजय? नहीं। ओके इट्स ऑल राइट। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे देख के तुम्हें कैसा लग रहा है? बताओ ना। हाँ याद आया, बिल्कुल गांव की लड़की लग रही हो। पता नहीं मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। I'm sorry, मैं यूं ही मजाक कर रहा था। चलो। विजय, तुम रोमांटिक लड़के तो नहीं हो, जरा रिजर्व टाइप के रहते हो। हाँ। और हाँ विजय, ये रिजर्व रहने वालों को नामर्द कहते हैं, ये सही है क्या?
शायद हो सकता है। तुम्हारा कुछ लव या सीक्रेट है क्या? मेरा ऐसा कुछ नहीं है बाबा, यू आर माय फर्स्ट लव। शादी के बाद ना सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो। मैं तुम्हें रोमांटिक लड़का बना के ही रहूंगी। काव्या, विजय के साथ घूमकर आई तो कैसा लगा तुम्हें? मतलब? अरे बुद्धू, मैंने तुम्हें कहा था ना, टचिंग टचिंग, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे अभी तक इलू इलू नहीं हुआ इनके बीच? इलू? इलू का क्या मतलब है यार? छोड़ना, तुझे पता नहीं तो छोड़ना। अच्छा ये बता, विजय ने तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लगता है वो कुछ रिजर्व किस्म का है। अरे रे रे, रिजर्व रहने वाले विश्वामित्र भी तो मेनका के पीछे पागल हो गए थे, तो इसकी क्या बिसात है? सुन, तुझे मेनका बनना है, ए जरा सोच कर तो देख। जाओ, एक किस दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ एक। विजय प्रिया के रूम में क्या करने गए? बस एक किस प्रिया। कितने दिनों तक बर्दाश्त करूंगा, प्लीज एक किस दे दो ना प्रिया। विजय मुझे लगता है बाहर कोई है, आवाज आ रही है, देखो। जाओ ना, जाओ। जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। सच में जाऊं? पीछे प्लीज। पीछे पीछे पीछे, एक मिनट। जानता हूँ तुम दिए बगैर ये नहीं। ये देखिए, ये लो। ये किस लिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह नो। मैं वो अमृतांजन लेने आया था, थोड़ा दर्द कर रहा है ना। अमृतांजन तुम्हें चाहिए? नहीं 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 नहीं। Are you sure? हाँ, I am sure. What's up? यहाँ अमृतांजन। अमृतांजन, लगता है इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? दोबारा इसने ऐसी हरकत की तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। विजय, आप क्या लेने आए हो? अगर अगर किसी ने देख लिया ना तो। नींद नहीं आ रही है प्रिया। विजय, विजय, मैं उसे देखकर ही आ रहा हूँ, वो आराम से सो रहा है। क्या करूं? ओह, गुड मॉर्निंग मिस्टर शंकर, बहुत फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? फ्रेश? तुम रात को फिर उसके रूम में गए थे ना? मैं? हाँ। रूम में? किस रूम में? क्या? अरे वही प्रिया के रूम में। अच्छा, मुझे जरा नीलगिरी ऑयल चाहिए था, इसलिए वो लेने गया था।
लेकिन पहले तो तुम अमृतांजन लेकर गए ही थे ना। वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं था? ना, ना, उस तरफ। अमृतांजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? विजय, ये जो खेती कर रहे हैं ये तरीका गलत है ना? गलत है? वो कैसे? नहीं, एक पौधे का दूसरे पौधे के बीच डिस्टेंस चाहिए ना, लेकिन ये लोग देखो कितने नजदीक नजदीक रोप रहे हैं। वो लोग बिल्कुल सही रोप रहे हैं। लगता है बेचारी शहर से आई है, कुछ पता नहीं है। किसान खेती बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, वो पूरी जानकारी के बिना कोई काम नहीं करते। रोज करते करते इन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। हम तो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग ये सब हकीकत में करते हैं। यही इनकी जिंदगी है, हमेशा खेती करना। मैंने बचपन से ही इन कामों को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं यहीं पर सेटल होकर एग्रीकल्चर करने का फैसला किया है। विजय, तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। ए, जरा गाड़ी रोकना। अरे जरा संभल के। मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ, ये भी बार बार क्यों गिरती रहती हूँ मैं? होता है, छोड़ो, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। या अकेली बैठी है। प्रिया क्या है? कुछ नहीं, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। प्रिया, मेरा मतलब तुम हमेशा काम ही करती रहती हो, और मैं भी वैसा ही हूँ, हमेशा काम करता रहता हूँ। मेरे मेरे सवाल का जवाब तो दो ना। कौन सा सवाल? वही, लाइफ में मैं और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? शंकर, मुझे शंकर कह के बुला सकती हो ना? शंकर जी, ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है। पता है, लेकिन क्या फायदा? तुम अकेले रहकर अपनी पूरी लाइफ वेस्ट क्यों कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे पति से तुम्हारा ना डिवोर्स दिलवा दूंगा, मेरे बहुत सारे वकीलों से पहचान है। उसके बाद मैं और तुम शादी करके राजा रानी की तरह बेंगलोर में आराम से रहेंगे। हटो, मुझे घर में बहुत काम है। जरा रुको ना प्रिया जी, मैं पूरी रात अपनी नींद छोड़कर तुम्हारी याद करते हुए ये लव लेटर लिखता रहा। ये देखो ना लव लेटर। मेरा दिल मत तोड़ना प्लीज। तुम मुझे जल्द से जल्द यस कह देना ना। इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, प्लीज ले लो ना। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे तुम वापस कर दो प्लीज। तुम इसे समझाओ ना प्लीज, प्लीज दे दो ना प्लीज। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार तो लेटर लिखा, प्लीज दे दो ना प्लीज, मुझे वापस दे दो। चाहिए क्या? चाहिए, आओ ना, देता हूँ। प्रिया का पति उसे छोड़कर चला गया है, ये तुम्हें पता है ना? इसीलिए तो मैं ये लव लेटर लिख के लाया था। क्यों, क्या हुआ? वो भाग कर नहीं गया। तो फिर बल्लारी के जेल में है। वो वहाँ क्यों है? मर्डर केस में अंदर गया है। क्या? एक नहीं, दो नहीं, 8 खून किए है उसने। लेकिन उससे तुम्हें क्या, तुम तो लवर बॉय हो, लाइफ देने के लिए तैयार हो। इसमें आपका मोबाइल नंबर तो है ना? हाँ, 2-4 दिनों में वो रिलीज होकर आने ही वाला है। अच्छा, देनी पड़ेगी लाइफ, देनी पड़ेगी। ये लेटर अगर उसके हाथ में लग गया तो 9वां खून होगा। पूछो किसका? किसका? हमारा। मैंने तो अपनी जिंदगी में शुरू नहीं की है, मौत की बात कर रहा है। धूप बहुत तेज है ना, मगर ठंडी हवा ऐसी चल रही है जिससे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है ना? काव्या, इस फूल को देखो, ये फूल सब जगह नहीं मिलता, ये लो। मेरे लिए? पकड़ो ना। काव्या, hey, काव्या, कहाँ पर खो गई थी? वो
चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये बात मैं तुम्हें कहने आई हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? कल विजय ने मुझे एक फूल दिया, मैं उसे बहुत जतन से संभाल के रखूंगी। फूल को? ओह, उसने तुम्हें भी फूल दिया? क्या मतलब? मतलब विजय न जाने कितनी लड़कियों को फूल दे चुका है आज तक। इतना ही नहीं, हार भी मिलाया है। अच्छा? हाँ, अब तक वो 4 लड़कियों को प्यार का नाटक करके धोखा दे चुका है, वो भी इसी गाँव की। अच्छा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, सच में विजय ने ऐसा किया है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मर्द कैसे होते हैं ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। हाय विजय। ओह हाय काव्या। मुझे सब पता चल गया है। चल चुका है। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत रोमांटिक हो, मुझे अभी ये पता चला। कई लड़कियों के साथ घूम फिर कर तुम उनके साथ हाथ मिला चुके हो ना? हाथ? मैं? तुमको किसने बताया? प्रिया ने बताया। उसने? वो बात क्या है ना कव्या, कोई बात नहीं विजय, तुम जैसी लड़कियों को फ्लर्ट करने वाला लड़का ही मेरा पति बने, यही मेरा ख्वाब था। यू आर द परफेक्ट मैच फॉर मी। ये बताओ विजय, ये सब देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? वो तुम्हें अपना पति मान चुकी है और तुम्हारे पापा हमसे नाटक करवा रहे हैं। कल अगर ये नाटक सच हो गया तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैंने उसके सामने तुम्हारी बुराई कर दी। तुम्हारी बातों को वो सच मानकर ये कह रही है कि मुझे तुम जैसा ही पति चाहिए। अच्छा, क्या किस्मत है। फिक्र मत करो, कल मैं उसे तुम एक अच्छे इंसान हो, कुछ नहीं समझते, बहुत भोले हो, ऐसा कहूंगी, ठीक है ना? स्टाइल तो बिल्कुल सलमान खान के जैसा है। ऐसा क्या? हाँ, लेकिन बॉडी वैसी नहीं है। नहीं है? क्या, तुम इसे पी लो, तुम्हारी पूरी बॉडी सही हो जाएगी। पी लो। अच्छा? एक ही लेकर आए, मेरे लिए भी लेकर आ। लाता हूँ ना भाई, लाता हूँ। पियो क्या? पी ना। कुछ होगा नहीं रहा? कुछ नहीं होगा, पियो तो। इसे पीने से बहुत ताकत आती है। सच में? अरे कितनी देर लगा दी, जल्दी दो भाई को। ये लो, ये भी। एंजॉय एंजॉय। हाँ हाँ, और लेकर आ। कैसा लग रहा है? स्वर्ग स्वर्ग लग रहा है। विजय के साथ जो लड़की घूम रही है वो कौन है? वो तो काव्या है, मेरी कजिन है। उसकी शादी ना विजय से करवानी है और ये डिसीजन मेरे चाचा ले चुके हैं। घबराए हुए क्यों? मेरे साथ था, कोई सवाल मत कर। अर्जेंट है, रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या है बोलो? मैंने कहा ना कोई सवाल मत कर, बस चुपचाप चल। क्या है? आजा। ओह गॉड,
वो बस कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ क्या? हुआ ना, श्योर उस तरफ वो है, इस तरफ ये है, मतलब ये दोनों के साथ खेल खेल रहा है। प्रिया जी, मेरे गांव से जाने से पहले आप अपने हाथ से मुझे भीख दे दो ना, तो मैं उसे लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाऊंगा। ये सब तुम्हारे लिए ही है, शंकरपारा, चकली, लड्डू, ये सब तुम्हारे लिए ही पैक कर रही हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने वो जो दिया था ना वो लव लेटर, मुझे वो भीख में दे दो ना प्लीज, उसे लेकर मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। हाय मिस्टर शंकर। विजय भाई, वो क्या है ना, आप भगवान के लिए वो लव लेटर मुझे वापस कर दो ना प्लीज। मेरे पास ही रहने दो ना। नहीं, नहीं। अगर आपने कभी वो लव लेटर आपने इसके हस्बैंड को दे दिया तो मेरा क्या हाल होगा, प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं 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 हाँ? क्यों प्रिया, दे दूं क्या? बेचारा है, दे दो। थैंक यू थैंक यू। इसे ऐसे ही रखना, क्यों? नाम बदल कर किसी और को दे देना। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप, बैकग्राउंड जाने बिना लव नहीं करना चाहिए और लव लेटर भी नहीं देना चाहिए। थैंक यू जी। शंकर जी, ये लीजिए लड्डू, मेरी गलती के लिए। क्या समझ लो, बाजार शंभू। कैसा रहा? सुपर। गांव जा रहे हो क्या? हाँ मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? क्या मैं दुखी हूँ? हाँ बहुत फील हो रहा है। अपना सारा सामान ले लिए ना? हाँ मेरे बाप ले लिया, मैंने सारा सामान ले लिया। जीप तो लगा लो। पैंट का नहीं रे, बैग का। क्या था कहीं का? बैग का तो मैं जीप पहले ही लगा चुका हूँ। ये चश्मा चोर बाजार से लिया क्या? नहीं भिंडी बाजार से। क्यों तुम्हें चाहिए क्या? एक रुपए में मिलता है ना। चलता हूँ भाई, मेरी शादी नहीं है, बर्बादी हो जाएगी। जी करता है इस बट्टे को गला दबा दूं मैं। माँ। हाँ माँ, मैं और प्रिया बाहर जाकर जरा घूम फिर कर आते हैं। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। विजय, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। क्या है पापा? कल से आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है, इसलिए प्रिया को मायके भेजना है। माँ, प्रिया को मायके भेजना जरूरी है क्या? हाँ विजय, सिर्फ एक महीने के लिए। हमारे समाज के हिसाब से पहला आषाढ़ नई बहू अपने मायके में रहती है। ठीक है पापा। वो अभी बिजी है, मैंने कहा ना। ए हनुमान, किसका फोन है? ये लीजिए मलिक। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ, राजशेखर। बोल यार। और क्या यार, वही हमारी काव्या विजय की शादी के विषय में, तो क्या सोचा है? राजशेखर, शादी में थोड़ा टाइम लगेगा। लो पिछली बार फोन पे तुमने यही तो जवाब दिया था, इस बात को एक महीना बीत गया यार। ये आषाढ़ खत्म होते ही हम मंगनी की रस्म पूरी कर देते हैं। देखो मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ यार, इसलिए जल्द से जल्द इस काम को निपटा देते हैं। राजशेखर मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मैं बताऊंगा, शादी फिक्स कर लेंगे। ठीक है यार, जल्द से जल्द कोशिश करो। हाँ आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, सच कह रहा हूं सर। तुम कौन हो? नागा। जिस गांव में आपकी बेटी की शादी होने वाली है मैं वहीं से हूं। मेरी दूर की रिश्तेदार एक लड़की प्रिया से मैं शादी करना चाहता था, जिसने उस लड़की से शादी कर ली। आपके बचपन का दोस्त है ना सदाशिव, उसी ने गुपचुप ये शादी करवाई है, जिसका साक्षी मैं हूं। नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, मेरा दोस्त सदाशिव ऐसा इंसान नहीं है। नहीं चाचा जी, मुझे पहले से ही शक हो गया था, वो सही इंसान नहीं है। डैडी। काव्या,
जिस काम के लिए आए थे वो हो गया और अब लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो यहाँ से। काव्या ये क्या तरीका? मैं आपको बताती हूँ डैडी। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? पूजा भी खत्म हो गई। हे, हम इस मंदिर के चारों ओर घूम के देख रहे थे। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है ना विजय? हाँ ठीक है, प्रसाद और कुमकुम ले लो। विजय, ये तुमने क्या किया विजय? प्रिया किसी और की पत्नी है, तुम उसके माथे पे सिंदूर भरो ये मैं सहन नहीं कर सकती। This is too much. वो भी मंदिर में? No, विजय, no. मैं ये सह नहीं कर सकती। काव्या। विजय, नहीं। प्रिया मेरी बीवी है। हाँ काव्या। प्रिया मेरी बीवी है। उसका पति कहीं नहीं भागा। मैंने ही इससे प्यार करके शादी की है। मेरे पापा और तुम्हारे पापा ने मिलकर हम दोनों की शादी करवाने का आपस में फैसला किया था। अफसोस, मैं उससे पहले ही प्रिया से प्यार करने लगा था। पापा ने कहा था मैं सब संभाल लूंगा, इसलिए तुम्हारे सामने ऐसा नाटक करना पड़ा था। भगवान के लिए आज के बाद तुम मेरे लिए कोई सपना मत देखना। आज ये सच्चाई जानकर तुम्हारे दिल को मेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा होगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मुझसे पैसा लेकर तुमने वादा किया था, फिर तुमने धोखा क्यों दिया? मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा कहा मानकर जिसे वो जानती तक नहीं थी, उसे ये समझाकर कि वो उसकी जिंदगी है, तुमने उसे बुलाया और ये किया। ऐसा झूठा सपना जगाकर तुमने उसे आंसुओं के सैलाब में डुबो दिया। मैंने उसे आज तक कभी इतना रोते हुए नहीं देखा था। बिन मां की बच्ची को मैंने कभी नहीं रुलाया था। उसके दिल को किसी बात से चोट पहुंचे, मैंने उसके साथ आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। मेरा बेटा मेरा कहा नहीं टालेगा, यही कहा था ना तुमने? क्या हुआ उस वादे का? झूठ बोला था तुमने मुझे। मेरी बच्ची मेरा कहा मानकर हंसते हंसते तेरे घर गई थी और वहां से ठोकर खा के वापस आई है। मेरी बेटी के दिल पर खंजर चलाया है तूने। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। तेरी जान ले लूंगा मैं। डैडी ने छोड़ दो, प्लीज। जान ले लूंगा मैं। प्लीज मार मुझे, खत्म कर दे मुझे। अपने हाथ क्यों रोक दिया तूने? मुझे खत्म कर दे। मैंने अपने बेटी की शादी गुपचुप तरीके से करवाई तेरी बेटी के लिए। मेरे बेटे के साथ तेरी बेटी की जिंदगी सुकून से गुजरे, इसलिए मजबूरन मैंने उसकी शादी करवाई, वरना तुम्हारी बेटी की जान चली जाती। झूठ, तू सफेद झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। जानता है मैंने उसकी शादी क्यों करवाई? सदाशिव, इस लड़की की कुंडली उच्च कोटि की है, परंतु तुम्हारे पुत्र की कुंडली से ये कुंडली तनिक भी मेल नहीं खाती। शास्त्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे की कुंडली एक बार और देखिए आप। सदाशिव, तुम्हारे बेटे की कुंडली मैंने ही बनाई है, उसमें तनिक अल्प दोष है। मतलब? तुम्हारे बेटे की कुंडली में क्षय दोष प्रबल है, इसीलिए इस कन्या के साथ यदि उसका विवाह हुआ तो 3 माह में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मेरा ज्योतिष कभी गलत नहीं हुआ है सदाशिव, ये बात अच्छी तरह जानते हो। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इस शादी से सिर्फ मेरा घर ही नहीं बल्कि मेरे बेटे का भविष्य भी संवरेगा। लड़की लक्ष्मी है शास्त्री जी, और वो लक्ष्मी मेरे घर ही आएगी। मैं उसे कैसे मना करूं? हाँ, कोई ना कोई तो निवारण होगा आपके पास, बताइए ना। निवारण है, निवारण है। तुम्हारे बेटे का इस कन्या से पहले यदि किसी कन्या के साथ विवाह हो जाए, वो भी शास्त्र के आधार पर, तो तुम्हारे पुत्र की कुंडली में जो भी दोष है समाधान हो जाएगा। उसके बाद इस कन्या के साथ द्वितीय विवाह रचाएंगे तो पुत्री नहीं मरेगी। इसीलिए विजय जिस लड़की से प्यार करता था, दोष निवारण के लिए शादी करवा दी। किसी को पता भी ना चले, इसलिए गुप्त तरीके से करवा दी।
उस चिदंबरम शास्त्री के कहे मुताबिक 3 महीने के बाद भी प्रिया नहीं मरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सदाशिव, उस कन्या की मृत्यु नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कुंडली में भी 6 दोष है। अच्छा, उसकी कुंडली को किसी को दिखाया क्या? नहीं। तो मुझे दिखा देते, मैं देख लेता। तुमने जल्दबाजी में कुछ सोचे बिना ये फैसला ले लिया। दोनों की कुंडली में 1 ही दोष प्रबल है, इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। विजय के प्यार के खातिर किसी बदनाम औरत की बेटी से विजय की शादी करवाता, मैं कोई पागल था क्या? मैंने इसकी शादी इसीलिए करवाई कि ये दोष खत्म हो जाए। अब मैंने उसे मरवाने का फैसला कर लिया है। आपने क्या कहा? आप? प्रिया को आषाढ़ महीने का बहाना बनाकर उसे रास्ते में उठाकर खत्म कर देने की सुपारी दे चुका हूं मैं। मुझे लगता है कि अब तक वो लोग उसे मार चुके होंगे। ये आपने क्या किया? आपने इसे क्यों किया? अपने स्वार्थ के लिए आज आप एक खूनी बन गए हैं, और वो भी आपने किसका खून करवाया? हमारा बेटा जिस पर अपनी जान छिड़कता है, उस प्रिया का, उसे कुछ हुआ तो हमारा बीजी बचेगा क्या? बीजी नहीं रहा तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी? आपने ऐसा करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा। देखो, एक औरत अपना पति कितना भी गिरा हुआ हो निभा लेती है, लेकिन कोई भी औरत अपने बच्चों के हथियारे को कभी अपना पति नहीं मान सकती। तुम्हारे साथ रहना तो दूर, मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हारा पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र अब मेरे गले में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। पार्वती, चिल्लाओ मत। हे भगवान, उन जालिमों ने मेरी प्रिया के साथ क्या क्या किया होगा। भाभी जी, भगवान के लिए रो मत, बस सब रखो, हमें सबसे पहले प्रिया को ढूंढना होगा। ए, प्रिया इस वक्त कहाँ मिलेगी? कौन है वो किडनैपर्स? विजय कहाँ है? पहले हमें ये बात विजय को बतानी चाहिए। विजय कहाँ है? ये ले, उसे फोन लगा। हेलो विजय, गाड़ी घुमा। छे, ए, चलो सब लोग। Oh.
वाले हमें फिर से दूर करने की बात कर रहे हैं। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती विजय। प्रिया, मुझे देखो प्रिया। कुछ नहीं होगा, डरो मत। हाँ, कुछ नहीं होगा, डरो मत प्रिया। hey, हम जिसे ढूंढ रहे थे ना, उसे इसने ढूंढ लिया। hey, तुम में से कोई भी अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो एक भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। hey, मारो इसको, मारो। उसे लुढ़का कर लड़की को उठा लाओ। विजय
प्रिया माँ बेटे कैसे हो तुम बेटे? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? मैंने सुना तो मेरा दिल बहुत घबराया बेटा। पावर के लिए, पैसों के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए आपने कितना नीच कदम उठाया पापा। जाति दोष है इस बात को मानकर आपने तो सीधे सीधे हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। कुंडली सही होती है या गलत ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो उसे सही साबित करने पर तुले थे। हमारे प्यार से बढ़कर आपका ये कैसा घटिया गणित है पापा? अगर आज प्रिया जिंदा है तो सिर्फ हम दोनों के प्यार की वजह से। हम दोनों तो जिसमें एक जान है पापा, और यही बात सच है। बीजी, अब इन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं, मैंने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। चल बेटा। पार्वती मत जा। विजय, पार्वती मुझसे गलती हो गई। पापा मुझे माफ कर दो। माफी हमसे नहीं प्रिया से मांगी है। प्रिया प्रिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा, मुझे माफ कर दो। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ये सब शोभा नहीं देता। जो होना था सो हो गया, अब से हम हंसी खुशी जिएंगे। सदाशिव, देखा अपनी बहू को? नहीं, हम दोनों की बहू को। आज से मेरी दो बेटी है। विजय, पार्वती भाभी, आप लोगों का कर्ज मुझ पर बाकी है। उसके बदले में मेरे दोस्त की सारी गलतियों को भूलकर आप मिलजुल कर एक साथ रहिए। सच में आंटी, सच में विजय, डैडी ने बिल्कुल सही कहा है। डैडी, अंकल का एमपी बनने का सपना आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जरूर बेटा, जरूर पूरा करूंगा। थैंक्स डैडी। तेरा एक और काम बाकी है। वो क्या? रुक बताता हूँ। सदाशिव ये ले। माँ पहन लो। हाँ।